प्रो कबड्डी लीग में बुधवार को लीग में अपना पहला मैच खेल रहे बांग्ला वॉरियर्स के मोहम्मद इस्माइल ने अपने शानदार सुपर 10 के दम पर टीम को यूपी योद्धा के खिलाफ मैच में 48-17 से जीत हासिल कराई। इस मैच में बांग्ला ने 31 अंकों से जीत हासिल की, जो कि पीकेएल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है। बांग्ला की टीम मैच के पहले हाफ तक 79 से आगे थी। दूसरे हाफ में टीम ने 48-17 से मैच अपने नाम किया। गाची बावली इंदौरी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बंगाल ने रेड से 24, टैकल से 14, ऑल आउट से 8 और 2 अतिरिक्त अंक जुटाए। नबी बख्शी ने 10 अंकों के अलावा मंदीर सिंह ने 9 और बलदेव सिंह ने 7 पॉइंट्स हासिल किए। यूपी योद्धा ने पहले हाफ में अच्छी शुरुआत की और एक समय पर 4-0 की बढ़त हासिल की। इसके बाद बांग्ला ने वापसी की और 13वें मिनट में यूपी योद्धा को आउट कर दिया। यूपी के इस मैच में रिंकांश की कमी काफ़ी खली। दूसरे हाफ की शुरुआत से ही बांग्ला वॉरियर्स हावी रही और 22वें मिनट में यूपी के मैच में दूसरी बार ऑल आउट कर दिया। इसके बाद 3 मिनट बाद ही बांग्ला ने यूपी को तीसरी बार भी ऑल आउट कर दिया और बढ़त को काफ़ी बढ़ा लिया। इसके बाद यूपी की टीम वापसी ही नहीं कर पाई और दबाव में टीम बिखर गई। मैच के 35 मिनट में बंगाल ने यूपी को चौथी बार फिर से ऑल आउट कर दिया। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से प्रतिष्ठा की रिपोर्ट।